Hi, hello, welcome, welcome, welcome. How are you? क्या हाल है? चलिए, so let's get started. आवाज आ रही है? बढ़िया से. Everything good? Perfect. चलिए, तो फिर शुरू करते हैं हम लोग आज का स्ट्रैटेजी जीके का कार्यक्रम. और क्या करेंगे? पहले तो रिवीजन करेंगे. ओ वाह जी वाह. तो पहले जो पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे और आप आंसर. अच्छा, अभी मैंने क्या करा है थोड़ा और अच्छा कुछ कि पुराना वाला जो पढ़ा था पहले 5 मिनट में उसको तो रिवाइज करेंगे करेंगे, लेकिन उसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवाइज करेंगे. मैंने उसके फिलिंदा ब्लैंक्स बना दिए. जितना हमने पिछला पढ़ा था ना उसमें से 20 फिलिंदा ब्लैंक्स बना दिए वहीं पर ही उसी जगह पर. तो आपको वो पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, 20 फिलिंदा ब्लैंक्स हैं वो भी हो जाएंगे उसके, और साथ में फिर हम आगे का नया थ्योरी पार्ट भी कर लेंगे. क्लियर है? बढ़िया से, वेरी गुड. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. तो पहला सवाल क्या, रुको जरा पहले एक सेकेंड यार, मैं देख लूँ जरा सब सही चल रहा है. एक बार जरा बोल देना कुछ हाय हेलो, कुछ मुलाकात कर लें जरा हम लोग थोड़ी है. इधर भी बता दीजिए सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. चल रहा है, चलो गुड देन, आओ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है, ये मैं हूँ और ये है कोर्स का नाम. आइए सबसे पहले तो ये बताइए, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? वो कौन है जो कि 30 मई 2019 को इलेक्ट हुए हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये वो है. 5 मिनट में हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, 5 से 10 मिनट क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे हम लोग, जो पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, बताओ. मैं पुल कर लेता हूं जल्दी से आपका, आपके कॉमेंट्स. एक सेकेंड रुकिएगा, अब तक आंसर दीजिए सब लोग. सब लोग मेरे को आंसर सबका चाहिए यार. ये देखो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, मेरे को आंसर चाहिए सबका. कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आए. ओके, गुड गुड गुड. रेड्डी, बहुत बढ़िया. वाई एस जगनमोहन रेड्डी, दोस्त हो रखे हैं रेड्डी, है ना. रेड्डी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, पूरा नाम बोला करो भाई. वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, ये है इनका नाम. चलिए, तो ऑप्शन वन में ये आएगा. बताइए फिल इन द ब्लैंक नंबर टू में क्या भरा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से, असम से, असम सीट से कौन है? भारतीय जनता पार्टी में असम सीट से कौन है, जल्दी से बताइए. कमान 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 क्विकली. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके. और वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अरे यार, ये बताना है, ये बताना है, असम सीट का बताना है. कहां कुछ कुछ भी बताने लगे. और बताइए. अच्छा, जल्दी से, बहुत बढ़िया. सर्बानंद सोनोवाल, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड. सर्बानंद सोनोवाल इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे. सर्बानंद सोनोवाल, ये हैं कुछ बच्चे हमारे जो पढ़ के आए हैं, बाकी लोग टीपने आए हैं. सर्बानंद सोनोवाल, ये टीपू सुल्तान जितने भी हैं, पहली चीज टीपू सुल्तान मत बनिए. टीपू सुल्तान बनने से कोई फायदा नहीं होगा, आप भी पढ़ के आइए, ठीक है. टीपू सुल्तान वाली उपाधि बहुत अच्छी नहीं है. आइए, आहा, ये एएसएस किसको याद है? ठीक है, याद नहीं है. असम में से हमने एस को अलग कर लिया और बन गए असम से सर्बानंद सोनोवाल. सिंपल है ना यार, ये तो बताया भी था याद करने का तरीका. चलिए बताओ दिल्ली में कौन है? नहीं, ये तो सबको पता है. दिल्ली के बताओ जल्दी से, दिल्ली के कौन है जल्दी जल्दी बता दीजिए. ठीक 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 ठीक, ओके, वेरी गुड. अरविंद केजरीवाल, बहुत बढ़िया. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज अरविंद केजरीवाल. अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल. ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं. स्टेट्स एंड चीफ मिनिस्टर पार्टी आप इनकी जानते हैं, आम आदमी पार्टी. गोवा में कौन है? गोवा के कौन है जल्दी से बता दीजिए. गोवा के कौन है? हाँ हाँ, गोवा के कौन है जल्दी से? कौन जल्दी जल्दी. हाँ ठीक है, मेरा आंसर अभी भी नहीं आया. अभी भी आप लोग दिल्ली पढ़ के पढ़े हैं. थोड़ा सा तेज बढ़िए, थोड़ा सा तेज बढ़िए. एक मिनट, मेरे में कमेंट्स लैग कर रहे हैं. एक सेकेंड रुकना यार, मेरे में ना कमेंट्स लैग कर रहे हैं काफी ज्यादा. अभी ठीक है, अभी ठीक है. हाँ चलो, अभी सही है. इट्स वर्किंग फाइन नाउ. ठीक है, वेरी गुड. ठीक 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 ठीक, प्रमोद सावंत, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ रहे हैं. हाँ अभी ठीक है, अभी कमेंट आ गए. प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत. चलिए आगे आ जाइए. हरियाणा में कौन है? हरियाणा में कौन है? कौन से खट्टे?
हरिओम मनोहर लाल खट्टर, पांचवे में कौन आ जाएगा? मनोहर लाल खट्टर। यहां पर आइए, कौन आएंगे यहां पर पांचवे में? कौन, सॉरी छठे में कौन आएंगे? झारखंड में कौन है? अरे पिरामिड सावंत नहीं है, वो प्रमोद सावंत है। पिरामिड सावंत हद हो गई, मतलब पिरामिड और प्रमोद में अंतर होता है यार, ऐसी बात मत करो भाई। चलिए तो यहां पर क्या आ जाएगा जल्दी से? हाँ मनोहर लाल खट्टर हो गया, जल्दी से इनका बताइए। कमान 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 कमान, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, बहुत कम लोग बता रहे हैं अभी भी हैं, ठीक है। चलिए हेमंत सोरेन, ठीक है झारखंड में हेमंत सोरेन, झारखंड इज हेमंत सोरेन। अब मुझे लग रहा है मुझे को बताने पड़ेंगे बाकी के, क्योंकि आप लोग जो है, आप लोग के बताने की रफ्तार जो है कम। हेमंत सोरेन सातवें पर आइए, अगले पे आ रहे हैं झारखंड हेमंत सोरेन। अच्छा ध्यान रखना, बाकी रिवाइज करते हुए चलना। गुजरात के कौन है? विजय रूपानी। हरियाणा कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश के कौन है? जयराम ठाकुर। झारखंड कौन होगा? हेमंत सोरेन। आगे आइए नेक्स्ट पर आ रहे हैं, देखिए नाउ द पॉइंट इज कर्नाटका के कौन है? कर्नाटका कौन है जल्दी से बताइए, व्हाट अबाउट कर्नाटका? ठीक है सही, BSY येदुरप्पा, बीजेपी पार्टी के हैं ये भी, BS येदुरप्पा। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी बहुत जगह पर है, तो BS येदुरप्पा कर्नाटका के कौन है बताओ? कर्नाटका, कमान 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 क्विक, साउंड बहुत कम आ रहा है, इज देयर अ प्रॉब्लम विद द साउंड? क्या साउंड में कोई भी इशू है? साउंड में कोई भी इशू है बताना जरा, साउंड सही है ना? देखो तो यहां पर क्या आ जाएगा, केरला पिनराई विजयन, ठीक है पिनराई विजयन, पीजे पिनराई विजयन। महाराष्ट्र में कौन है जल्दी से? महाराष्ट्र में कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में कौन है? उद्धव ठाकरे। चलिए यहां पर कौन है मध्य प्रदेश? शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र कौन है? उद्धव ठाकरे। मणिपुर कौन है? एन बीरेन सिंह। मेघालय के कौन है बताइए? मेघालय कॉनराड संगम, हाँ ठीक है बढ़िया। मेघालय कौन है? कॉनराड संगम, लिख लो यहां पर कॉनराड संगम, संग्राम या संगम, अब देख लेना एग्जैक्टली क्या नाम है, कॉनराड संगम है या संग्राम है ये देख लेना। इनकी पार्टी याद रखना, इनकी पार्टी पूछी जा सकती है, क्योंकि ना ये बीजेपी है ना ये कांग्रेस है। जिनकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा है उनके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उनके पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, CPI मार्क्सिस्ट, और ये आ गई नेशनल पीपल्स पार्टी। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का बहुत ज्यादा वैसा कुछ है नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही, इनके अलावा जो पार्टीज हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक आइए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आते हैं मिजोरम कौन है? जोनराम थांगा। नागालैंड नेफूरियो, याद कर लेना यार, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का भी पूछ सकता है कभी भी। ओडिशा के कौन है? काफी पॉपुलर है ये, मैंने बताया था वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स हैं ये। कौन है, कौन से पटनायक? नवीन पटनायक, बहुत बढ़िया। ओके थानोस बैक, आप वहीं से हैं। सांगमा, यस सॉरी सांगमा है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिया जाएगा मिस्टर नवीन पटनायक? मिस्टर नवीन पटनायक, ठीक। चलिए ये बहुत बार हैं, अब आप देखेंगे 2000 यानी 20 साल से चीफ मिनिस्टर ही बने हुए हैं, और खैर ये अपने स्टेट का बहुत ध्यान रखते हैं, ही इज वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज स्टेट एज वेल। देन पुडुचेरी कौन है? वी नारायण स्वामी। पंजाब अमरिंदर सिंह। राजस्थान, आंसर राजस्थान, पता नहीं जिन्हें भी सीएम के नाम नहीं पसंद होंगे वो, ठीक है। राजस्थान में कौन आ जाएगा? अशोक गहलोत। राजस्थान में कौन आएगा? ये रिसेंट के हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये हो जाएंगे अशोक गहलोत। और अभी अशोक गहलोत इसलिए क्योंकि ये राजस्थान की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा गर्म रही है 2019 के एंड में, तो यहां पर आने के चांसेस ज्यादा हैं इस चीज के, ठीक। अशोक गहलोत राजस्थान, गुड बहुत बढ़िया, ये तो आप लोगों को याद हो रहा है, अब तो अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया। सिक्किम कौन है? प्रेम सिंह तामंग। तमिलनाडु कौन है? एडापी के पलानीस्वामी। एक मिनट, केरला में कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या मैंने? पेनीर सेल्वम, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ बोला क्या? केरला का मैंने क्या बोला? सही बोला पिनराई विजय, ठीक है सही बोला सही बोला सही बोला। आ जाओ चलो ये हो गया। तेलंगाना के बताइए, कम ऑन दिस इज फॉर CHSL ऑल्सो, यस। ये डिसलाइक कौन किया है? ममता पूछ रही है, एक डिसलाइक कौन किया है? नो आइडिया। जिनको भी चीफ मिनिस्टर के नाम पसंद नहीं होंगे वो किए हैं, नो आइडिया। चलिए कुछ लोग प्रो होते हैं लेक्चर शुरू होने के पहले, उनको मालूम है बेकार पढ़ाएगा, आता ही नहीं इसको, बेकार पढ़ाएगा, शुरू होने के पहले ही रहता है ये भी नहीं कि कैसा होगा। दे आर सो कॉन्फिडेंट पीपल, अब दे रियली नो मी, आपकी बेकार ही पढ़ाएगा। चलो आ जाओ भाई, अच्छा हाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? राजस्थान हो गया आपका, ये सब हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू दिस वन, कौन आ रहे हैं? चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, ठीक है चंद्रशेखर राव, ये हो जाएंगे। उत्तराखंड के कौन है? यूपी के योगी आदित्यनाथ, त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव,
उत्तराखंड बताइए, ये तो दीदी है, फिक्स है, ये बढ़िया अपनी कुर्सी संभाली है, कम से कम 9 साल तो होगा, दो दूसरा टर्म चल रहा है इनका, ये उत्तराखंड बताइए, द करेक्ट आंसर, गुड गुड गुड, जल्दी से। ओ हो यशांक, अभी ठीक है, अभी कोविड वगैरह सब चल हो गया, बढ़िया, ठीक है, चलिए ये होगा रावत साहब, कौन से रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, टी एस रावत, ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट पर आते हैं, ये देखो, अच्छा देखो ये रिवीजन का तरीका ठीक है ना, कि रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, पुराना हम पिछले 5-10 मिनट में पूरा पुराना पढ़ दे रहे हैं, और साथ साथ में मैंने छोटे छोटे ब्लैंक्स क्रिएट कर दिए हैं, ताकि आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी के ऊपर जोर भी डालो कि यार क्या पढ़ा था मैंने पिछले सेशन में। जो लोग आज नए हैं, आज पहली बार सेशन कर रहे हैं, ये क्लास डेली शाम को 8:30 बजे होती है, और आप लोग जो है ये इनका पूरा जो आपको चाहिए, तो आपको पिछला जो मेरा सेशन है उस सेशन को देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, स्टैटिक जी के कंप्लीट कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनवा दी है, आपको वहां मिल जाएगा सारा चीजें, डे वाइज लगा हुआ है वहां पर, ठीक है, तो यहां पर आप उसमें आपको ये सारी चीजें भरी हुई मिल जाएंगी। चलो 15 नंबर ब्लैंक में आंसर बताओ क्या आएगा, 15 नंबर ब्लैंक में आंसर बताइए क्या आएगा, व्हाट वुड बी द आंसर इन 15 नंबर ब्लैंक, कैलाशनाथ टेंपल कांचीपुरम में किसने बनवाया, ये हिंट दे रहा हूं, ये एक पल्लव रूलर थे, ये कौन से थे, ये एक पल्लव रूलर थे, और इनका नाम क्या था, नरसिंह वर्मन टू, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नरसिंह वर्मन टू इनका नाम है। उसके बाद साथ में एक और चीज देखो, गंगाईकोंडा चोलेश्वरम किसने बनवाया, राजेंद्र चोला वन, और बृहदेश्वर टेंपल किसने बनवाया, चोला किंग राजा राजा वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, लीनिंग टावर ऑफ पिसा किसने बनाया, बोनान्नो पिसान्नो, प्रेसिडेंट हाउस किसने बनवाया, हमको मालूम है, एडविन लुटियन, और ताजमहल उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी, आर्किटेक्ट है ये सारे के सारे, आर्किटेक्ट है या जिसने बनवाया है, जिसने या तो पैट्रोनेज दिया हुआ है या बनवाया है, तो ये जो है इन लोगों ने पैट्रोनेज दिया है, पैट्रोनेज का मतलब होता है पूरा पैसा, स्पॉन्सरिंग, ये कौन है, ये आर्किटेक्ट है, एडविन लुटियन कौन है, आर्किटेक्ट है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, गुड, हाँ जी 100 आवर्स बाद शुरू हो गया, आज ही हुआ है 100 आवर्स बाद जो है वो आज ही शुरू हुआ है, तो जितने भी नए लोग हैं जिन्हें अटेंड करना हो वो 100 आवर्स बाद अटेंड कर लेना, क्योंकि वो आज से शुरू हो गया है, ठीक, आगे आओ, नेक्स्ट पर आते हैं यार, कैलकटा किसने बनवाया है, 17th नंबर ब्लैंक को फिल करेंगे, सिडनी का ओपेरा हाउस बनाया जॉन उल्डजॉन, कैलकटा किसने बनवाया है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कैलकटा बनवाया है किसने, कैलकटा इज बिल्ड बाय जॉब चार्नक, किसने बनवाया है, जॉब चार्नक, ठीक, जॉब चार्नक, क्लियर है, ये कैलकटा इन्होंने बनवाया, इंडिया गेट अगेन एडविन लुटियन, जयपुर विद्याधर, जंतर मंतर सवाई जयसिंह, चार मीनार कुली कुतुब शाह, ठीक है, लो लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट वन, ये समझ आ रहा है, चलो ये बताओ, अच्छा अब यहां पर आते हैं, टाइटल के ऊपर चलते हैं, जो लोग आज पहली बार आए, फिर कह रहा हूं ये सारी चीजें जो है वो पिछले उसमें भी है, पिछले सेशन में सब पढ़ाया था, अभी एक रिवीजन करा रहा हूं उसका 10-15 मिनट में, ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल किसने दिया था, दिस टाइटल वॉज गिवेन, महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल किसने दिया था, द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, चलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या टाइटल दिया था महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था, कंफ्यूज मत होना, जब ये सवाल आता है तो दोनों देता है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी देगा और सुभाष चंद्र बोस भी देगा, आपको देखना है कौन से टाइटल की बात हो रही है, तब आप उसी हिसाब से सेलेक्ट करोगे, ठीक, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर वल्लभ भाई पटेल, वुमेन ऑफ बारडोली ने दिया था सरदार का टाइटल, महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को कौन सा टाइटल दिया था, बताइए कौन सा, एक रत्न उन्होंने बोला था, ये एक रत्न है, कौन से रत्न है, ये देश रत्न है, ये देश रत्न बोला था महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं हम, आइए यहां पर आ जाते हैं, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, ये आखिरी सवाल है आज का, फिर हम करेंगे आज की जो चीजें आपको याद करनी है, और सुनिए अब अगला जो सेशन होगा वो फिल्म ब्लैंक नहीं होगा, फिल्म ब्लैंक तो सिर्फ रिवीजन के लिए था, आप एमसीक्यू होंगे इसके और जो आज पढ़ा रहा हूं उसके, क्योंकि आपको ज्यादा था याद करने का, इसलिए मैंने आज इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं कराया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और ये सब याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब अगली क्लास में ऐसा नहीं होगा, अगली क्लास में आपको याद करके ही आना होगा, जो आज दे रहा हूं वो भी और जो 2 दिन पहले पढ़ाया था वो भी, दोनों का कंबाइंड एमसीक्यू सेशन होगा,
25 से 30 क्वेश्चन में पूछूंगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होंगे सारे के सारे। चलो आओ, तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी, जल्दी से बताइए। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत बढ़िया यार, ये मुझे उम्मीद नहीं थी आप लोग बता ले जाओगे, बहुत बढ़िया। किंग ऑफ खेत्री, वेरी गुड, इट्स किंग ऑफ खेत्री, किंग ऑफ खेत्री, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आए आते हैं। चलिए अगला सवाल आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है, यहां से सवाल नहीं आ रहा है। अब देखिए ये तो चीजें खैर सब लोग आप लोग देख ही चुके हो, ये तो सारी चीजें आप देख ही चुके हो। देखो इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं, चाणक्य को ये बोलते हैं, ये सारी चीजें आप देख चुके हो। जो आज नई चीजें जो मैं आपके सामने जो डेटा देने जा रहा हूं, जो कंपाइलेशन देने जा रहा हूं, छोटा सा है वो, लेकिन बहुत इफेक्टिव, बहुत ज्यादा आने वाला है। देखो ये भी चीजें हम लोग देख चुके हैं, मॉडर्न के नाम हम लोग देख चुके हैं, सरोजनी नायडू को क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर को क्या बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं, ऑल दीज थिंग्स हमने देख लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के थे ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नाम फेमस हुए, जो टाइटल फेमस हुए, इसकी मैंने आपको लिस्ट दी थी पिछले क्लास में, ये भी दी थी। अब आपके पास क्या आ रहा है, ये भी हमने ले लिया था। आज का आता है आपके पास हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, तारापुर कहां पर है, तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, कर्नाटका में। काकरपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में। कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बताओ प्लांट करना है, बताइए कहां पर होगा कल्पक्कम न्यूक्लियर प्लांट, इज इन, ये है तमिलनाडु में, ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक, ये हो गया आपका तमिलनाडु में। इसके बाद क्या है, रावल भट्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, राजस्थान में। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है, कहां पर पड़ता है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये फरीदाबाद के पास में पड़ता है, यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, तो ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए उसके बाद क्या आ रहा है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहां पर है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी कहां पर है, दिस इज अगेन इन तमिलनाडु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगली क्लास के लिए। चलिए ओके जी, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, हालांकि बड़ा खूबसूरत तो वैसे ही बन रखा है ये स्क्रीनशॉट के लिए, क्या ही बताएं। आइए अच्छा अच्छा ये देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो मैंने ये ग्रुपिंग करी हुई है, स्टेट वाइज आपको थर्मल पावर प्लांट भी याद होने चाहिए, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट भी पूछता है, आंध्र प्रदेश में कौन है, ये सारे स्टेट वाइज है। तो आपने क्या करना है, एक दिन में आप क्या करोगे, सुबह चार, ज्यादा ही तेजी से हो गया भाई, यहां अटका दे, ठीक है, सुबह चार पढ़ लिए, दोपहर में इनका रिवीजन कर लिया, शाम को चार और नए पढ़ लिए, दो से तीन दिन में आपको भारत के सारे थर्मल पावर प्लांट याद हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आप इसको स्टेट वाइज करें, आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनको कम से कम आपको 15 बार पढ़ना है, 15 टाइम्स, ठीक है, 15 टाइम्स आपको इसको पढ़ना है, 15 बार ये हो गया। अब सुनो, 15 बार आप पढ़ोगे कुछ भी नया नहीं उठाओगे, 15 बार बस पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, याद करने की कोशिश मत करना, अपने आप याद हो जाएगा, बताता हूं कैसे। 15 बार ये पढ़ लिया, अब मैंने क्या किया, अब अगली 15 बार में मैं क्या करूंगा, 5 बार तो पुराना वाला पढ़ूंगा और 10 बार ये नया वाला पढ़ूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मेरे पास ये स्टेट भी हो गए, अब जब मैं अगली 15 बार पे आऊंगा ना, तो मैं 10 बारी तो पुराना वाला पढ़ूंगा और 5 बारी नया वाला पढ़ूंगा, यानी अब मैं वो वाला कम से कम पहली स्लाइड में 25 बार पढ़ चुका हूं, दूसरी वाली स्लाइड कम से कम मैं 20 बार पढ़ चुका हूं, अब मैं पहली वाली को छोड़ दूंगा, जैसे ही किसी भी स्लाइड के 25 बार हो जाएंगे मैं उसको छोड़ दूंगा, आगे आता जाऊंगा, और आपको एकदम रट जाएगा। यानी क्या करना है, आपको हर चीज को 25 बार करना है, 15 बार इंडिविजुअली, फिर अगली 15 बार में क्या करो, 10 बार उसको पढ़ो, 5 बार नई चीज पढ़ो, 25 बार हो गया, पहली स्लाइड छोड़ दो। अब अगले 25 के लिए, अगली 15 के लिए क्या करोगे, जो सेकंड वाली स्लाइड है उसको 10 बार पढ़ो, 5 बार नई वाली स्लाइड पढ़ो, इस तरीके से करना, यानी पुराने को और नए को साथ में लेके चलना है आपको, ठीक। 25 टाइम्स आप पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा, बिल्कुल राइट। अच्छा थोड़ा साइड में हट जाएं, ओके जी साइड में हट गए, आप ले लीजिए, ले लिया।
चलिए अब देखिए ना, अच्छा आपको करंट अफेयर्स के लिए टेंशन नहीं लेना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ करंट अफेयर्स का कंप्लीट बैच आ रहा है। चलिए ये देखिए, ये हो गया थर्मल पावर प्लांट, ये भी हो गया, स्टेट वाइज है, आपको सारे स्टेट वाइज आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद ये थर्मल पावर प्लांट्स की लिस्ट हो गई। अच्छा अब आपको देखिए इसमें क्या करना है, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप की इन्फॉर्मेशन है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपने क्या करना है, सिर्फ ये देखना है पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब जीता गया है, कब खेला गया, कनाडा और यूएस के बीच में खेला गया 1844 में, खत्म बात। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया है 1877 में, इन दो चीजों के अलावा और आपको इस स्लाइड से कुछ नहीं देखना। फिर आ रहे हैं हम इसके बाद, यहां पर देखिए किस टाइम पर कौन सा वर्ल्ड कप हुआ है, आपको ये सब नहीं देखना है, ये तो खाली आपके मजे के लिए मैंने डाला हुआ है कि भाई कितनी बार इंग्लैंड जीती, अगर कभी आपको मूड हो ना देखने का कितनी बार ये क्या बोलते हैं वेस्ट इंडीज जीती, कितनी बार इंडिया जीती, ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है, पाकिस्तान कब जीता था, ये देखने के लिए डाला है। वैसे क्या है, आपको सिर्फ पहला वाला देखना है और भारत कितनी बार जीता है आपको ये देखना है, ठीक है, और उस टाइम में कौन कौन रनर अप था, कौन होस्ट था, और यहां से ये जितने भी वर्ल्ड कप आज तक हुए हैं, और 2023 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है, 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया विल बी होस्टिंग, 2023 का दिस वन द वर्ल्ड कप, और ये वाला कौन है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, कौन जीता, इंग्लैंड। क्लियर, कहानी समझ आ गई ना, डाउट तो नहीं है, आइए। अरे बैक, वाह जी वाह, अरे बैक हमें नहीं करना है, बैक आपको करने लगे थोड़ा सा लेक्चर पीछे, हम थोड़ी ना बैक करेंगे, आइए। अच्छा इसके बाद एक और चीज देख लेना, ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए है, जो याद करना है, मतलब इसको देखो कंपाइलेशन ऐसा है कि आपको देखने में मजा आएगा। एक्चुअल में क्या देखना है कि जब क्रिकेट की पहले वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी ना, तब कितनी टीम्स थी, ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका पहली बार कब आई है, यहां पर इंडिया कब आ रही है, इंडिया 75 से ही थी आपके पास, 2015 में अफगानिस्तान आई है, ये पूछता है कब कौन सी टीम आई है, पूछता है, अभी सीपीओ में भी पूछा था, सीएचएस में भी पूछा था कि अफगानिस्तान की टीम 2016 में सवाल था ये, अफगानिस्तान की टीम कौन से ईयर से क्रिकेट पे प्रवेश करी है, तो आपके पास ये हो गया। सारे नहीं याद करने हैं, बीच वाले कुछ भी नहीं, ना ये पूछेगा ना ये पूछेगा, ये पूछ सकता है और ये इसके लिए पूछ लेगा, एक बार आए थे उसके बाद चले गए, ये पूछ सकता है सिर्फ बांग्लादेश के बारे में, ना स्कॉटलैंड पूछेगा, ना नामीबिया, ना बरमूडा आइलैंड, सिर्फ जिसपे मैंने सर्कल करा हुआ है सिर्फ वो पूछेगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक। आइए, देन एंशिएंट नेम ऑफ सिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा। पहले रांची को क्या बोलते थे, पहले किशनपुर बोलते थे, वाराणसी को बनारस बोलते थे, गुरुग्राम को गुड़गांव बोलते थे, पटना को पाटलिपुत्र, जो पहले पाटलिपुत्र था वो आज पटना हो चुका है, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बोलते थे, देन इंद्रप्रस्थ को क्या बोलते थे, दिल्ली बोलते थे, शिमला बन गया शिमला, मद्रास बन गया तमिलनाडु, ये चेन्नई बेसिकली वो एरिया ही पूरा मद्रास प्रोविंस कहलाता था, जो प्रोविंस बाद में तमिलनाडु के नाम से कन्वर्ट हो गया, जब तमिलनाडु बना तब भी मद्रास था लेकिन नाम उसका चेन्नई कर दिया गया था, और पहले तमिलनाडु जितना ही बड़ा ब्रिटिशर्स के टाइम पे पूरी प्रोविंस थी जो कि तमिलनाडु जितनी बड़ी थी और उसका नाम था मद्रास। आइए, ये आपके सारे करेंट नेम और एंशिएंट नेम की आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट आ गई है, ठीक। इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं करना है, ये लास्ट, ये आज का आपका स्टैटिक का है, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। पीडीएफ चाहिए, रेशियो का पढ़ाएंगे रात में 10 बजे, ठीक है। आया था सीपीओ में, पाकिस्तान कितनी बार फाइनल में पूछा है, ऐसे भी कोई पूछता है ये पूछता है यार, इसीलिए मैंने आपको जो दिया हुआ है इसको पढ़ लेना, उसी में से सवाल, इसमें से सवाल बाहर नहीं आएंगे, मतलब ये ऑलरेडी जो मैं आपको कंपाइलेशन दे रहा हूं, दिस इज समथिंग जो अच्छी खासी, मतलब आपको मेरे हिसाब से तो स्टैटिक जीके जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाहर नहीं आएगा, और जिस तरीके के मैं एमसीक्यू कराऊंगा उससे बाहर सवाल बनके ही नहीं है, मतलब नहीं ही बनते हैं। तो कल आपके एमसीक्यू होंगे 30 एमसीक्यू होंगे, एक बात और बता दे रहा हूं, जो मैंने पिछला कराया था लोकसभा राज्यसभा सीट को छोड़ करके, उसके बाद का मैंने जितना पढ़ाया है अभी तक, इन सब से एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 30 एमसीक्यू होंगे 30, और आपको 30 के 30 करने होंगे। और हां ये बता दे रहा हूं, मैं अगर एमसीक्यू बनाऊंगा तो मैं थोड़े कंफ्यूजिंग बनाता हूं, तो इसलिए अपने हिसाब से तैयारी अच्छी करके आइएगा, क्योंकि एमसीक्यू आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए, सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मुलाकात करेंगे। न्यू बैच आएगी कहां, न्यू बैच तो आ गया, नया बैच जो है वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर आज ही तो लॉन्च हुआ है, ठीक है, आज ही तो लॉन्च हुआ है। चलिए, छवि, एनीवन हियर प्लस स्टूडेंट होंगे कुछ ना कुछ,
क्विज, अन अकेडमी क्विज। अब क्विज क्या करेंगे, अब आज चिल मारो, कल मैं आपको एमसीक्यू कुछ कराऊंगा, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को भी स्पेशल क्लास अटेंड करनी है मेरी अन अकेडमी प्लस पे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, रेशियो की क्लास है, तो रात में 10 बजे आप ये क्लास कर सकते हैं, ठीक है। 10 PM पर आप ये क्लास कर सकते हैं, ये रेशियो की क्लास होगी, ठीक है। ये रेशियो की क्लास है अन अकेडमी प्लस के ऊपर, आप अभी जाकर के उसको एनरोल कर सकते हैं और इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय टाटा, टेलीग्राम पे ले लेना रात में आज, ठीक है, ओके बाय बाय। बस अरे बस बाय भी कर लो यार, अब है स्टैटिक जीके, कितनी देर पढ़ोगे, टाटा।